साल हो गए हैं और टीवी पे मुझे भी 40 साल हो गए हैं और यंगर जनरेशन को बता दूं कि 1972 में मुंबई में दूरदर्शन शुरू हुआ था और पहले हफ्ते ही से मैंने एक टॉक शो शुरू किया था स्टार इंटरव्यू का, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और वो 21 बरस तक चला था टॉक शो, जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि गाने वाने तो बहुत हो गए, म्यूजिक बहुत हो गया, हंसने हंसाने का प्रबंध हमने किया हुआ है और अब आपके सामने एक ऐसे ज़बरदस्त कॉमेडियन को हम पेश कर रहे हैं जिसे आप इंडियन टेलीविजन पे बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ उनके प्रोग्रामों में देख चुके हैं। जॉनी आला रे में जॉनी लिवर के साथ उन्होंने देखा है। जॉनी लिवर से याद आया कि मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री को दो कलाकार दिए हैं, एक है जॉनी लिवर और एक है सुनिधि चौहान। ये दोनों मेरी डिस्कवरी हैं और दोनों मेरी खोज हैं जो आज शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे हुए हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने कॉमेडियन की जिसने राजू श्रीवास्तव के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं, जॉनी लिवर के साथ भी किए हैं और अब आपको वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में लक्ष्मीकांत बिर्डे के रूप में नज़र आएंगे उस प्रोग्राम में जो आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बड़ा हिट प्रोग्राम है, पहचान कौन। हाँ, इसी प्रोग्राम में वो आ रहे हैं और उनका नाम है राहुल कुमार। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राहुल। अब मैं खुद राहुल कुमार आपको प्रणाम करता हूं, मेरे लिए ताली बजाइए। हम लोग तालियां आप लोगों से इसलिए मांगते हैं, इसकी वजह बताने जा रहा हूं, क्योंकि तालियां सीटें हम कलाकारों की बहुत कम नसीब होती है। एक रोज जैसे ही ये प्रोग्राम मुंबई के दामोदर हॉल में चल रहा था, उस हॉल में तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 सीट्स है, जिस रोज प्रोग्राम चल रहा था 3 घंटे के प्रोग्राम में एक भी ताली नहीं बजी। प्रोग्राम खत्म होने की बात पता चला, हॉल में 500 कपल बैठे हुए थे। एक साउंड भी गवा सुनाता हूं, ये फरमाइश है, रेलगाड़ी की आवाज है, हिंदुस्तान की सबसे पहले 150 साल पुरानी स्टीम इंजन कोयले की गाड़ी 150 साल पूरे होने के बाद मुंबई शहर में इस गाड़ी को चलाया गया था। ये गाड़ी किस तरह से स्टेशन छोड़ती है, तेजी से भागती है, अलग अलग मोड़ लेती है, ब्रिज टनल किस तरह से क्रॉस करती है, थोड़ी साउंड भी गवाज है, बच्चों के लिए है लेकिन एंजॉय आप सभी कीजिए। ये गाड़ी किस तरह स्टेशन छोड़ रही है, हेलो, थोड़ा बहुत मेरे साउंड इंजीनियर मेरा साथ देंगे, थोड़ा बहुत एक और इंजन बातें करती है, इंसान बातें करते हैं, कभी कभी जानवर भी आपस में बातें करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है घर पर बड़े प्यार से कुत्ते बिल्ली पालते हैं और एक कुत्ते बिल्ली जिस घर में रहते हैं घर वालों की भाषा अपने आप सीखते हैं। बिल्ली किस तरह चिल्लाती है बच्चों, मुझे मालूम था कि जिनकी है बांध के रखो, फिर मजाक कराओ। बिल्ली बड़े प्यार से आवाज देती है, वही यानी क्या बोलना चाहती है, मैं आओ के हूं। हाँ, और कुत्ता आओ, ये उसकी भाषा है। एक घर में कुत्ता बैठा हुआ है, बाहर से बिल्ली गुजरती है, बिल्ली ने सोचा आज कुत्ते के घर जाकर चाय पानी करते हैं, दिवाली का दिन था। कुत्ते के दरवाजे के पास आकर बड़े प्यार से आवाज दे रही है, सज झटके आई है,
मैं इंदर आओ क्या? कुत्ता भी बड़ा मूड में, आ जाओ। दूसरी बार आवाज देती है, मैं इंदर आओ क्या? कुत्ता बोलता है आ जाओ, लेकिन तीसरी बार जब आवाज देती है, मैं इंदर आओ क्या? कुत्ते को गुस्सा आता है, बोले क्यों नखरे कर रही? तीसरी बार कुत्ता बोलता है कि आती तो आ, नहीं तो जा। आपस में बातें करें अपने भाषाओं में, देखिए बिल्ली किस तरह से आवाज दे रही है। वही है, वही है, म्याओ। कुत्ता भी उतना ही मूड में, आए 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 आए। ये किसका है, बांध के रखो। दूसरी बार आवाज आती है, म्याओ म्याओ म्याओ। कुत्ता और मूड में आता है, आए आए आए। लेकिन तीसरी बार जब आवाज देती है, नखरे कर रही है। खैर शुक्रिया, घर बैठे आप लोगों का एंटरटेनमेंट टीवी के माध्यम से बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि टीवी पर बहुत सारे आप लोग प्रोग्राम देखते हैं। हर प्रोग्राम के बीच मैंने देखा है एडवर्टाइज इश्तियार बहुत सारे दिखाए जाते हैं। एडवर्टाइज में आज तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में कॉमेडी कलाकार की कॉमेडी सोच, आने वाले दिनों में यही एड किस तरह से होगी, जैसे टीवी ऑन करोगे पहले ऐड से शुरुआत, झंडू बाम सुबह दोपहर शाम रोटी के साथ खाइए, आप भी खाइए पूरे परिवार को खिलाइए। भी महिलाओं के लिए लड़के लोगों के लिए ऐड बनेगी, क्योंकि शीला तो अपने बालों की हिफाजत कैसी करती है, तेरे बाल लंबे घने काले मुलायम बाल है, तो तेरे बालों का राज क्या है? ऐसी भी बड़ी बात नहीं है, नहाते समय मैं शैम्पू से नहाती हूँ, सोते समय बाल उतर के सो जाती हूँ। ऐसे अजीब किस्म के ऐड बनेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों को देखा टीवी पर एडवर्टाइज जो है देखते ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी कोई बदन को तकलीफ हो, दोस्तों का सलाम उछाला लेते हैं और अपने आप बदन को तकलीफ देते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या हुआ? कमर टेढ़ा हो गया। कमर टेढ़ा हो गया, कहीं आप गिर गए? नहीं, किसी ने बोल दिया कमर में दर्द, मुंह लगाओ। आपने क्या किया? बहुत कोशिश की, मुंह वहां तक पहुंचा ही नहीं। कमर में दर्द, मुंह लगाओ तो ओरिजिनल मुंह लगाने हैं।